फ्रेंड्स, मैं पूनम शर्मा, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पूनम स्टूडियो पर। फ्रेंड्स, मैं आज बहुत टाइम बाद आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे पिछले वीडियो में आप लोगों ने मुझे बहुत सारा अपना प्यार दिया है, बहुत अच्छे से आपने मुझे कमेंट्स दिए हैं। उन्हीं कमेंट्स को और उसी प्यार को देखते हुए मैं अपना अगला वीडियो बना रही हूँ। फ्रेंड्स, तो आज का जो मेरा वीडियो है उसमें मैं पैर से एक तरह से ही चला रहे हैं, लेकिन उसमें आप हाथों के अलग अलग 8 से 10 स्टेप्स आपको करने होंगे। मैं वही सिखाने वाली हूँ किस तरह पैर को एक तरह चला करके आप बहुत सारे अपने हाथों के स्टेप्स कर सके और अपने डांस को बहुत अच्छा बना सके। इससे पहले अगर फ्रेंड्स आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। तो फ्रेंड्स, हम सीखते हैं हमारे आज के स्टेप्स। तो फ्रेंड्स, हम देर नहीं करते हैं, सीखते हैं। हमारा आज का पहला स्टेप है, हमें सिंपल सीखना है पैरों का स्टेप। हाँ, जो मैं स्टेप सिखा रही हूँ उसमें आपका बॉडी फ्रंट नहीं रहेगी, आपको साइड में रखना होगा अपने आप को, इस तरह से साइड में, आपके राइट साइड में। देखिएगा जिस तरह सामने हूँ, ये मैं घूमूंगी अपना साइड पोर्शन में। अब फ्रेंड्स, आपको इसमें अपने राइट पैर को आगे और राइट पैर को पीछे रखना होगा। बस राइट पैर आगे, राइट पैर पीछे, राइट पैर आगे, राइट पैर पीछे। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा जो भी स्टेप है वो सब इसी पैर के द्वारा होंगे। राइट पैर आगे, राइट पैर पीछे रखते हुए ये सारे स्टेप्स होंगे। तो हमारे पहले स्टेप में हम करेंगे अपने राइट लेग के साथ अपने हाथों को लेकर के जाएंगे। लेफ्ट हैंड को हम इस तरह से कमर पे रख सकते हैं और शोल्डर पे भी रख सकते हैं। हमारे लेफ्ट हैंड को हम कमर पे भी रख सकते हैं एंड शोल्डर पे भी रख सकते हैं, जहां भी आपको अच्छा लगे। मैं शोल्डर पे रख रही हूँ। इस तरह से अपनी ड्रेस को लेंगे, पहले हम हाथ से करते हैं, इस तरह से करेंगे। राइट पैर आगे रखेंगे तो हाथ को पीछे, इस तरह से राइट पैर पीछे तो हाथ आगे, इस तरह से 1 2 3 4। फ्रेंड्स, जब मैं हाथों का मूवमेंट करती हूँ तो मैं अपने हाथ को मूव करती हूँ, यानी इस तरह से आगे फिर हाथों को घुमा करके पीछे करती हूँ। देखिएगा आगे और पीछे, यानी इस तरह से 1 राइट पैर आगे हाथ पीछे, 2 3 4 5 6 7 8। ये जो स्टेप है हमारा पहला, इसी में हम उसको लहंगे के साथ करेंगे। इस तरह से लहंगा पकड़ते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारा दूसरा स्टेप। लगता है पीछे चुड़ियाली जो है डांस सीख इतनी आज यही खिड़की में बैठी रहेंगी, जाएंगे नहीं। तो फ्रेंड्स, हाँ, तो फ्रेंड्स इसमें हम क्या करते हैं, आप इसमें सेम स्टेप भी कर सकते हैं, कमर पे या हाथ पे, से कमर पे या कंधे पे से हाथ रखते हुए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8, और हाथ से भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। बस फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि आपका हाथ बहुत ही सॉफ्ट तरीके से हो, आप ऐसे कड़क कड़क हाथ को नहीं लाए, ऐसे आसानी से अपने हाथ को बहुत तेज नहीं लेके जाए, इस तरह से आराम, स्मूथ और आराम से ऐसे लेकर के। ये देखिएगा इस तरह से, इस तरीके से ना, हाथों को आप ऐसे से ना मूवमेंट नहीं करें। ओके फ्रेंड्स, और ये जो स्टेप है इसे आप पानी, हवा, नदी या लहराना, दुपट्टा, किसी भी मूवमेंट में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब सीखते हैं हमारा अगला स्टेप। हमारा अगला जो चौथा स्टेप है उसमें हमें हाथों को इस तरह से मूव करना है और हाथों को आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से हाथ। और ये स्टेप आप दुपट्टे, चुन्नी, किसी भी चीज के लिए कर सकते हैं, दुपट्टा, चेहरा, मुखड़ा, कोई भी स्टेप जो वर्डिंग आती है उस पर यूज कर सकते हैं, और नहीं तो म्यूजिक के साथ भी कर सकते हैं सिंपल 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारा अगला स्टेप है, हमारे अगले स्टेप में हमें सेम हाथों को पैर आगे,
तो हाथ आगे पैर पीछे, तो हाथ पीछे इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से। हमारा अगला स्टेप है, हमारे अगले स्टेप में हम करेंगे, हमें स्नैप क्लैप करना है इस तरह से, जस्ट एक मूवमेंट करना है ऐसे, आवाज नहीं भी आए चुटकियों की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मूव करना है। तो हमें करना है इस तरह से, 1 2 3 4। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, आपको अपने हाथों को देखना बहुत जरूरी है, जब भी आप डांस का कोई मूवमेंट करें तो अपने आई कॉन्टेक्ट अपने हाथों के साथ रखेंगे तो आपका डांस बहुत सुंदर होगा, साथ में आप भी बहुत सुंदर लगेंगे। देखिए इस तरह से, 1 मैंने अपना एल्बो राइट एल्बो को ऊपर किया है, लेफ्ट को नीचे लगाया है, जब मैंने पैर पीछे किया है तो मैंने हाथों को चेंज कर दिया है, लेफ्ट हैंड मेरा ऊपर है और राइट एल्बो मेरी नीचे है इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से। अच्छा फ्रेंड्स हम सीखते हैं हमारा अगला स्टेप, हमारे अगले स्टेप में हमें सिर्फ अपने हाथों को इस तरह घुमाना है, इस तरह से घुमाना है, ये देखिएगा ये हाथ है, हमने घुमाए इस तरह से, ये देखिएगा इस तरह से, हमें सिर्फ हाथों को घुमा के मूवमेंट करना है, देखिएगा इस तरह से हमने हाथ घुमाया, 1 और हाथों को चेंज करते हुए 2 और शोल्डर पे हाथ को लगा दिया इस तरह से, 1 2। देखिएगा हमने ये हाथ घुमाया, हमारा हाथ घुमाते हुए हम पैर को पीछे लाएंगे, हमारा हाथ चेंज हो रहा है, हमने लेफ्ट को शोल्डर पे रख दिया है, राइट को लेफ्ट के नीचे लगा दिया है एल्बो पर, कॉनी के नीचे इस तरह से। फिर देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से। फ्रेंड्स हम जो भी स्टेप्स कर रहे हैं जरूरी नहीं है राइट साइड से ही करें, हम लेफ्ट से भी कर सकते हैं, हमारी कोई बीट अगर 8 बीट है तो हम करेंगे देखो इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी आप सारे स्टेप्स को राइट पे भी कर सकते हैं और हमारे लेफ्ट पे भी कर सकते हैं इस तरह से। हमारा अगला स्टेप है, इसमें हमें हाथ को इस तरह से करना है, 1 2 3 4 यानी हाथ को इस तरह से ऊपर से नीचे जाते हुए मूवमेंट करना है ऐसे, और यहाँ हाथ को सबसे खोल देना है, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 ये स्टेप हम मेहंदी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चेहरे के लिए भी, जैसे बनना थारो चांदी सरीसो मुखड़ो, बनना थारो चांदी सरीसो मुखड़ो इस तरह से। अच्छा हमारा अगला स्टेप है, अगर कान में शहनाई वर्ड आएगा तो देखिएगा यही पैर होंगे, हाथ इस तरह से बनाए हमने, इस तरह से लगाया है और सामने लगाया है, अब इनको साइड में करेंगे इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 8 देखिएगा वही पैर है हमारे, सिर्फ आगे पीछे, और हमने हमारा किया है शहनाई का स्टेप, इसी में हम अगला स्टेप करेंगे, हाथ घुमाते हुए ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ नहीं करना, हाथों को मुट्ठी बंद करना है और ऊपर की तरफ ऐसे आउटसाइड में ऊपर घुमाना है, फिर झुक के नीचे घुमाना है, ऊपर घुमा रहा है झुक के नीचे घुमाना है इस तरह से। एक बार फिर देखिएगा, 1 2 3 4 5 6
एट। फ्रेंड्स मैं आपको सारे स्टेप एट काउंटिंग पे करके दिखा रही हूँ, पर जरूरी नहीं है पूरा एट काउंटिंग करें। अगर हम म्यूजिक के साथ कर रहे हैं तो हम एट पे कर सकते हैं, और किसी सॉन्ग पे या वर्डिंग के साथ कर रहे हैं तो हम टू या फोर या भी कर सकते हैं। टू यानी वन टू, इस तरह से फोर करना होगा तो वन टू थ्री फोर इस तरह से। और हमारा अगला स्टेप है, अगले स्टेप में हमारे पैर को हम वही आगे पीछे ले जाते हुए इस तरह से लेफ्ट हैंड को ऊपर रखेंगे और राइट को उसके पास लेके जाएंगे। वन राइट पीछे टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट इस तरह से। इसे हम दोनों साइड भी कर सकते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट इस तरीके से। तो फ्रेंड्स देखा आपने आज मैंने किस तरह से आपको पैरों के सिर्फ एक मूवमेंट के साथ हाथों के 10 मूवमेंट सिखाए हैं। अब फ्रेंड्स आप जल्दी से किसी भी सॉन्ग के साथ किसी भी म्यूजिक पे आप जाइए, प्रॉपर से स्टेप्स को प्रैक्टिस करिए और सीखिएगा। हाँ आप सोच रहे हैं कि मैंने स्टेप्स म्यूजिक पे करके क्यों नहीं दिखाए हैं, म्यूजिक पे इसलिए नहीं कर रही हूँ फ्रेंड्स, अगर मैं कोई अदर म्यूजिक लेती हूँ तो मेरे वीडियो के ऊपर कॉपीराइट क्लेम हो जाता है, तो कॉपीराइट क्लेम से बचने के लिए मैं इनको म्यूजिक के साथ नहीं कर रही हूँ। पर फ्रेंड्स आप किसी भी म्यूजिक के साथ इन स्टेप्स को आसानी से कर सकते हैं बिना किसी उसके। एक बार फटाफट से सारे स्टेप का रिकैप देख लेते हैं, स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।